टारगेट क्लास में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग का नाइन्थ क्लास का जो न्यू बैच बना है उन सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है टारगेट क्लास में। आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या का जो हिस्सा होता है वो अनेक भागों में प्रसारित होता है। जैसे कि शुरू बार में हमने क्या बताया, प्राकृत संख्या। आप लोग बचपन से पढ़ते हैं हमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, तो उसको नाइन्थ क्लास में थोड़ा एग्जाम्पल के साथ पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए वास्तविक संख्या जो होता है ना, इसमें कई हिस्सों में संख्याओं का रूप दिया गया है। हमने चार पांच संख्याओं का रूप धारण जो होता है बताए हैं, इसके आगे और बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या है? संख्या का वह समूह जिसमें गिनती का अक्षर एक से शुरू होकर कहां तक होता है, अनंत। वेरी गुड। पूर्ण संख्या, संख्या का वह समूह। देखिए कुछ करना नहीं, सब एक ही एग्जाम्पल पे टोटल का टोटल खत्म हो जाएगा। पूर्ण संख्या क्या हुआ, जीरो से शुरू होकर अनंत। और एक है पूर्णांक संख्या, इस पे आप लोग को थोड़ा डेवलप होना है। प्लीज आप लोग शांति बनाए रखें, मजा आएगा क्लास में। जब कोई स्टूडेंट शांत होकर पढ़ता है तो उसका पढ़ाई कुछ अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या में वैसा समूह हो या संख्याओं का वह समूह जिसमें धनात्मक संख्या हो। धनात्मक मतलब दोस्त प्लस, सब पॉजिटिव हो का चीज प्लस। प्लस को क्या बोलते हैं हिंदी में, धनात्मक, और माइनस को ऋणात्मक। तो जिस संख्या समूह में धनात्मक संख्या हो ऋणात्मक संख्या हो उसे क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए तो थोड़ा, यहाँ एक दो तीन चार की प्लस में एक माइनस में है, तो इसे धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। और यहाँ देखिए तो ये क्या लिखे है, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार इसे क्या कहेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक। आएगा मजा, ऋणात्मक पूर्णांक। अब एक सवाल आता है कि सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है, तो माइनस। माइनस में जितना बड़ा अंक ले लीजिएगा उतना ही छोटा होता है। माइनस में जितना बड़ा अंक लीजिएगा उतना ही छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, ये भाई किसी दुकान पे तू लोग जा और पांच रुपया उधार लगा दो, कर रुपया और एक दुकान पे एक रुपया उधार लगा दो, तो बताओ कौन देने में मजा आएगा, एक रुपया। वो जल्दी तगादा नहीं करेगा, और पांच रुपया वाला कहेगा ए भाई माटिया के निकल जाते हो, पैसा कौन जमा करेगा। तो एक रुपया अच्छा होगा ना, इसलिए इसको सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कहा गया है। माइनस एक सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या, और प्लस में जो सबसे बड़ा अंक रहता है उसे बड़ा कहा जाएगा। ओके, समझ में आ गया। अगला देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाता हो, या उसको एक सिचुएशन के अनुसार क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाना चाहिए। जिसे दो बटा में पांच, जीरो बटा में तीन बटा में बारह बटा में पांच, तो ये सारी संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हमने एक नोट में लिखवाया है, नोट में क्या लिखवाया है, हेलो एक मिनट, आप सभी लोग से अनुरोध है बाहर जाओ, पढ़ाई के समय नो टॉकिंग, बाहर जाओ। तो और नोट में क्या लिखवाया है, जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, क्या हो, कहीं दशमलव की बात, दशमलव कब बताया है, जब किसी अंक से किसी संख्या में भाग देते हैं और पूरा पूरा नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं,
दशमलव देकर कटाते हैं, तो जब उस परिस्थिति में दशमलव के बाद संख्या सात हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, तो उसे भी परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसीलिए हम नोट में लिखवाए हैं कि जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दो से भाग दे रहे हैं हम पांच में, क्या दे रहे हैं? दो से पांच में, दो दूनी के एक बचेगा, दो से एक कटेगा, तो पॉइंट देके क्या किया जाता है? दो बचे, पूरा पूरा कट गया, तो इस शांत कहेंगे। यहाँ जब पूरा शांत हो जाएगा और कट भी जाएगा तो इसे क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार, और इसे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? तो परिमेय संख्या में है, नाइन्थ और टेंथ दोनों में पढ़ना है, इसलिए इस चीज को अच्छा से डेवलप भी करना है। देखो परिमेय संख्या क्या है सर? पी बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्यू के बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। दूसरा, दशमलव के बाद शांत प्रसार होता है, दशमलव का रूप क्या होना चाहिए? शांत होना चाहिए, जैसे हमने एग्जाम्पल दिए, तो इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या, शांत दशमलव प्रसार। दोस्त अगर यहाँ नहीं कटेगा, ये कुछ न कुछ आता रहेगा, उसे अपरिमेय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? तो यहाँ एक एग्जाम्पल से दो आंसर मिला आप लोग को। पहला शांत रहेगा तो परिमेय, कभी कटेगा ही नहीं, दशमलव के बाद संख्या आता रहेगा उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या जो रूट में रहे, क्या में रहे? रूट में रहे, तथा उसका वर्गमूल अशांत हो। का चीज? वर्गमूल अशांत हो। एक भाई थोड़ा यहाँ ध्यान दो, तो सभी लोग ध्यान दो, ये रूट में क्या लिखे हैं और ये रूट में क्या लिखे हैं? क्या इसका वर्गमूल होता है चार और इसका होता है जी? तो ये पूर्ण है, क्या है? शांत है, लेकिन भाई शांत होगा नहीं होगा, तो ऐसे परिस्थिति में जिसका वर्गमूल अशांत हो उसे क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या, या उसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, सॉरी अनावर्ती, मतलब दशमलव के बाद वो कभी कटेगा ही नहीं, तो ऐसे परिस्थिति में उस संख्या को कौन सी संख्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो ये सारा चीज अगर किसी को डाउट है तो आप सभी लोग हमसे फिर से पूछ सकते हैं। क्या इसमें किसी को ऐसा लड़का या लड़की है जिसे ये नहीं समझ में आया हो? नो सर, ऐसे नहीं पता चलेगा। अब खड़ा करा के पूछिए, खड़ा जाओ, बताओ रूट में अगर कोई संख्या है और उसका वर्गमूल शांत हो तो कौन सी संख्या कहा जाएगा? वेरी गुड, परिमेय संख्या। एक्सीलेंट हुआ है ना, बैठ जाओ। राजा नावाडेरा से, वैसे ही बताओ, यहाँ पे पंखी पे देख लेना थोड़ा सा, रूट में पांच कौन सी संख्या है? अशांत है। शांत है कि अशांत है? शांत है। अशांत है, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होगा, अगर होगा भी तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, इसलिए पॉइंट में आता रहेगा कुछ न कुछ कुछ न कुछ कुछ न कुछ। तो कौन संख्या कहेगा? अपरिमेय संख्या का चीज। और एक होता है दोस्त 22 बटा में सात, 22 बटा में सात, सात से 22 में भाग देते देते मर जाओगे, लेकिन वो कभी कटेगा नहीं, इसलिए उसे अपरिमेय संख्या कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो ओम सिंह टारगेट यूट्यूब चैनल पे आप लोग को मिल जाएगा। ओके।